आदरणीय मेरे सभी हल्का निवासियों, मैं आपका सेवक, आपका साथी, आपका बेटा दिनेश कौशिक बोल रहा हूँ और आपके पास अपना निवेदन लेके एक बार फिर आया हूँ। मुझे इस बार आपके आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है, आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है, आपके इस प्यार और स्नेह की बहुत आवश्यकता है। मैं आपके इस प्यार और स्नेह की वजह से ही इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ और एक आज़ाद कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। पहले भी आपने मेरा बहुत सहयोग दिया है, पहले भी आपने बहुत संघर्ष किया है, पहले भी आप मेरा साथ दिया है, पहले भी आपने दिन रात एक करके घर घर जाके मेरे लिए वोट मांगे। ये इलेक्शन मेरा नहीं, ये इलेक्शन आपका है। ये इलेक्शन मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, ये इलेक्शन मैं आप सबके लिए लड़ रहा हूँ। आप स्वयं कैंडिडेट बन के इलेक्शन लड़े, यही प्रार्थना करके मैं आपके बीच में आया। मैं आपसे वायदा करता हूँ कि पिछली बार जो कमियां रह गई, पिछली बार जो त्रुटियां रह गई, इस बार किसी भी तरह से कोई कमी नहीं रहने देंगे, इस बार किसी भी तरह से कोई कमी नहीं रहने देंगे। ये मैं आपसे वायदा करता हूँ और पूरी तरह से दृढ़ संकल्प करता हूँ कि हर तरह से सोच समझ कर हर काम करेंगे। मेरे भाइयों ने, साथियों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे बुजुर्गों ने, युवाओं ने, मेरी माताओं ने, बहनों ने, सभी ने बहुत साथ दिया है मेरा। और इस बार एक बार फिर 5 साल के बाद ये मौका आया है कि वो अवसर हम चूकने ना दें, इस बार मेहनत करके इस राज को फिर दोबारा लें। पिछली बार ये राज आपको मिलना था, लेकिन आप जानते हैं कि क्या हुआ पिछली बार, किस तरह से बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया आपके खिलाफ और आपके हाथों में जो शक्ति होनी चाहिए थी उसे छीन लिया गया। लेकिन इस बार ऐसे नहीं होने देना है, इस बार हम सब ने एकजुट होना है, इस बार हम सब ने एक ऐसी प्यार और स्नेह की राजनीति करनी है जिसमें जातिवाद ना हो, जिसके अंदर कोई किसी तरह से कोई ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, जिसमें हर व्यक्ति की भागीदारी हो, ऐसा राज हमने लेना है। हम सब ने ये प्रण करना है कि पुंडरी हलके को बहुत आगे लेके जाना है, पुंडरी हलके में बहुत विकास करवाना है, पुंडरी हलके में युवाओं को रोजगार दिलवाना है, पुंडरी हलके में जो हमें पिछली बार तहसील का दर्जा मिला था उस दर्जे को अब की बार सब डिवीजन का दर्जा दिलवाना है। पिछली बार जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनवाया गया था उसको अब की बार 200 बेड का हॉस्पिटल बनवाना है। पिछली बार जो पुंडरी हलके के अंदर शिवरेज की व्यवस्था की गई थी उसमें जो कमियां रह गई उन सबको दूर करना है। चाहे कोई भी गांव, हर गांव में हमने प्रयास किया था विकास हो, फिर भी कुछ कमियां रह गई क्योंकि समय कम मिला था, फिर भी कुछ ऐसे काम रह गए जो समय कम रहने की वजह से या सरकार में भागीदारी कम होने की वजह से वो हम पूरा नहीं कर पाए। इस बार करेंगे ये आपसे वायदा करते हैं, इस बार उन कामों को पूरा करेंगे ये आपसे वायदा करते हैं, इस बार अपने युवाओं को रोजगार दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे ये भी आपसे वायदा करते हैं, इस बार हर व्यक्ति का मान सम्मान होगा ये भी हम आपसे वायदा करते हैं। हम आपसे वायदा करते हैं कि हर वो साथी जो हमारे लिए, अपने लिए, इस हलके के लिए, पूरे पुंडरी हलके के लिए काम करेगा, मैं हर तरह से उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। लेकिन ये सब होगा कब? जब आप मुझे वोट देंगे। एक एक वोट की बहुत कीमत है, एक एक वोट से बहुत बड़ी ताकत मिलती है और ये ताकत आपके पास है, आपने मुझे ये ताकत देनी है। आपने इस ताकत का प्रयोग पुंडरी हलके के विकास के लिए करना है, आपने इस ताकत का प्रयोग हमारे युवाओं के रोजगार के लिए करना है, आपने इस ताकत का प्रयोग पुंडरी हलके में विकास की गंगा बहाने के लिए करना है। आपके हाथ में फैसला है, आपको सोचना है, बहुत कुछ सोच समझ के इस बार वोट का प्रयोग करना है। मुझे आपने अजमाया है, आपने देखा है, 4.5 साल तक मैंने आपकी सेवा की है, फिर उसी बलबूते पर, उस विश्वास के बलबूते पर जो मैंने उस समय आपके मनों में जमाया था, उस विश्वास के बलबूते पर मैं वोट मांगने आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार आपका वोट दिनेश कौशिक के पक्ष में पड़ेगा, इस बार आपका वोट आपके इस सेवक के पक्ष में पड़ेगा, इस बार आपका वोट आपके इस भाई, आपके इस बेटे, आपके इस साथी के पक्ष में पड़ेगा। और अपने साथियों से भी, दूसरों से भी आपने अनुरोध करना है कि इस वोट को गंवाना नहीं है, इस वोट का सदुपयोग करना है। और सदुपयोग तभी होगा जब आप इस वोट को अपने इस भाई को देंगे
और इस हलके की सेवा करने का मौका आप मुझे देंगे, इसी अपील के साथ मैं पुनः आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा वोटों से अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को, अपने इस सेवक को, अपने इस साथी को जरूर जितवाएं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।